देखो क्लास, हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, डेट 9th अगस्त 2020। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बड़ा फेमस टॉपिक में से एक आज हम लोग पढ़ेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज, या फिर इसी को हम लोग बोलचाल के भाषा में मीटर ब्रिज भी कहते हैं। जब आप लोग बच्चों फाइनल फाइनल में बोर्ड्स का तैयारी जब देखोगे, जेई मेंस का तैयारी देखोगे, जेई एडवांस का तैयारी देखोगे, मेडिकल का तैयारी देखोगे, तो सब क्वेश्चन अपने एक तरफ और मशीन और इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन एक तरफ रखना होगा। ये है पोटेंशियोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एमीटर वोल्टमीटर है, और फिर ट्रांसफार्मर है, फिर एसी जनरेटर है, फिर सेकेंड पार्ट में टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है। ये सब जो इंस्ट्रूमेंट टाइप का क्वेश्चन, इसका प्रैक्टिस अलग से करना पड़ता है बोर्ड्स के पहले, मेंस के पहले, एडवांस के पहले, मेडिकल के पहले, क्योंकि मशीन का क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आएगा, जिधर भी पूछा जाएगा बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड पूछा जाएगा, है ना। तो आपका टॉपिक समझा हुआ है तो आप लोग लिख लेंगे। हाँ, तो आज हम लोग, आज बड़ा फेमस एक एक्सपेरिमेंट वाला इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, नाम है स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। आप लोग का स्कूल तो बंद हो गया है पैंडमिक के चक्कर में, बट अगर खुले तो ठीक, नहीं तो ये इस पूरे का एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। वैसे आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि बुक में जितना टॉपिक है मैं बता दूं, बट क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचे तो आप लोग यूट्यूब में इस पूरे का अरेंजमेंट किस तरह से होता है देख सकते हैं। स्कूल में होते तो देखते ही, बट अगर स्कूलिंग नहीं है या फिर नहीं जा पा रहे हो तो यूट्यूब वगैरह में भी इस पूरे का सेटअप जो है वो देख सकते हो, ठीक है। अब सवाल है क्या कीजिए, तो ये जो स्लाइड वायर ब्रिज है, ये मीटर ब्रिज है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। डेफिनेशन लिख लेंगे, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट है, विच इज, इसका एक ही मतलब, इसका काम तो बहुत सारा हो सकता है बट आपके सिलेबस के हिसाब से इसका एक ही काम है, विच इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है, फुल स्टॉप। इट इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है बच्चों, कल पढ़े थे हम लोग ये व्हीट स्टोन ब्रिज के बैलेंस्ड कंडीशन का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, और यू कैन से इट इज डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जो बोलना है बोल सकते हो। स्कूल के लैब में करना था तो बोलोगे लैब वाला टॉपिक क्या सर इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में लेकर के, मेंस में लेकर के, एडवांस में लेकर के, मेडिकल के एग्जामिनेशन तक लेकर के स्लाइड वायर ब्रिज का क्वेश्चन पढ़ ही जाता है एग्जामिनेशन में। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में लगाते हैं। डायरेक्ट एप्लीकेशन है व्हीट स्टोन ब्रिज का बैलेंस्ड स्टेट का, या फिर आप लोग बोल सकते हैं किरचॉफ्स लॉ का, ठीक है। अब इस सेटअप को समझ लोगे, क्योंकि अब सेटअप में कॉपी में नहीं लिखवाऊंगा बच्चों, पूरा सेटअप को अगर कॉपी में लिखवाने जाएंगे तो 6 पेज का आंसर हो जाएगा, तो वो सब आपका काम रहा। पूरा क्लास ऑफलाइन चलते रहता, सामने मेरे बैठे रहते तो मैं लिखवाता, अभी समझा दे रहा हूँ, 10 बार बोलोगे तो 10 बार समझा देता हूँ, बट उतना चीज लिख नहीं पाएंगे फिर, है ना, उतना चीज लिखा नहीं जाता है। तो ये एक अरेंजमेंट है, देखो ये जो अरेंजमेंट है ये एक वुडन बॉक्स होता है, पूरा लकड़ी का बॉक्स, ठीक है। इसमें आप अरेंजमेंट को देख रहे हैं, इसमें ए से सी इसके बीच में एक तार लगा हुआ रहता है 1 मीटर का, जरूरी नहीं है 1 मीटर का हो, बट जब स्कूल के लैब में करोगे या फिर आप लोग आगे जाकर के इंजीनियरिंग या फिजिक्स ऑनर्स वगैरह करोगे तो जो लैब में रहता है वो 1 ही मीटर का रहता है, इसी वजह से स्लाइड वायर ब्रिज को हम लोग मीटर ब्रिज भी कहते हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल मेंस एडवांस का अभी पढ़ेंगे एक दो क्वेश्चन, उसमें आप देखेंगे जरूरी नहीं है कि 1 ही मीटर का हो, कोई रूल तो है नहीं, वो बड़ा भी हो सकता है, जनरली 1 मीटर का। इसके ऊपर एक वुडन स्केल लगा करके रखते हैं, देखो एक स्केल है, इसके ऊपर एक वुडन स्केल लगा करके रखते हैं, लकड़ी का एक स्केल जो कि 1 से 100 मीटर तक का, 1 से 100 मीटर नहीं, 0 से 1 मीटर तक का, या फिर 0 से 100 सेंटीमीटर तक का उसमें रीडिंग रहता है, तार का ही है बट तार के ऊपर एक वुडन स्केल लगा करके रखते हैं। तार है वो हम लोग अलॉय का बना करके रखते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग ने सीखा है कि अलॉय का टेम्परेचर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अलॉय को मैन मेड बना करके इस्तेमाल किया जाता है कि टेम्परेचर पर ज्यादा डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी का ना हो, इस वजह से हम लोग तार लगा करके रखते हैं किसी भी अलॉय का, बट
स्कूल लैब में जो आप लोग करेंगे उसमें वो जो तार है वो कॉन्स्टेंट टेन का लगाया हुआ है, ठीक है, उससे कुछ खास मतलब नहीं है। एक स्केल होता है 1 मीटर का वुडन बॉक्स, बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा करके रखना है। गैल्वेनोमीटर अभी आप लोगों को 12th क्लास में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, बट 10th क्लास के नॉलेज के हिसाब से गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को डिटेक्ट करता है, हल्का सा हल्का करंट को भी गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है, अभी सिर्फ उसका काम है। और एक जॉकी, जॉकी को हम लोग समझेंगे, ये देखो, ये पहले देख लो, ये है अरेंजमेंट। अब यहाँ पर एक कॉपर का स्ट्रिप, ये कॉपर का एक स्ट्रिप बनाते हैं, इसके अंदर से ऐसे तार निकालना है, फिर उस तार को हम लोगों को एक रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट करना है, ठीक है, फिर उस तार को यहाँ पर एक सेंटर में भी कॉपर का स्ट्रिप, इसमें से यही वाला जो तार है इसको अंदर अंदर से हम लोग एक जॉकी के साथ फिक्स करके रखते हैं। जॉकी एक्चुअली में मूव करता है, जॉकी जो है वो इस तार के ऊपर चाबी के तरह होता है, उसको हम लोग मूव करवा सकते हैं, उसका मुंह मेटल का होता है, उसका जो मुंह है चाबी जैसा वो मेटल का होता है, इसको हम लोग इस तार के ऊपर लगातार जो है वो मूव करवा सकते हैं। और वो जॉकी और इस कॉपर स्ट्रिप में से जो तार निकला है इसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा करके रखते हैं। एक और कॉपर स्ट्रिप है, इसमें एक तार लगा करके रखेंगे और इस तार का अननोन रेजिस्टेंस है। तार के बारे में हम लोग इस चैप्टर में लगातार पढ़ रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो तार का स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होता है, वैसे तो रेजिस्टिविटी होता है स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, बट रेजिस्टेंस एक तार का जो रेजिस्टेंस है, तार है कोई भी तार, मान लो ये एक तार है, इसका एक रेजिस्टेंस बताना, स्टार का रेजिस्टेंस बताना है, स्टार का रेजिस्टेंस बताना है, तो स्टार का रेजिस्टेंस बताने के लिए हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तार का रेजिस्टेंस हम लोग ओम्स लॉ से भी पता लगा सकते हैं, तो बिल्कुल पता लगा सकते हैं, ओम्स लॉ से भी पता लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोल्ट मीटर है वोल्टेज नापने के लिए और एमीटर है करंट नापने के लिए, तो ओम्स लॉ से इस तार का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, एकदम श्योर। तो यही चीज आप लोगों को सीखना है 11th 12th क्लास में। तो ये अरेंजमेंट से भी हम लोग तार का, एक तार है रैंडम कोई भी एक तार है, उसका अननोन रेजिस्टेंस, उस तार का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक्स, तो हम लोग ये अरेंजमेंट हटा करके रखते हैं, ठीक है। करना क्या है इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये पूरा सर्किट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है, ये पूरा सर्किट कंप्लीट है क्योंकि तार यहाँ से अंदर से सोल्डिंग करके यहाँ निकाला हुआ रहता है, इसके साथ कनेक्टेड है, फिर अंदर से इसके साथ कनेक्टेड है, फिर अंदर से इसके साथ कनेक्टेड है, और ये इसके साथ कनेक्टेड है। स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, है ना। तो ये जो सर्किट है वो कंप्लीटेड है। अब हम लोग उसको करना क्या है, ये जो जॉकी है इसको हम लोग मूव कर सकते हैं, इसको हम लोग ये जो स्केल के ऊपर मूव नहीं करना है, तार के ऊपर मूव करना है, तार के ऊपर इस जॉकी को मूव करेंगे और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है एक ऐसा रेजिस्टेंस सिलेक्ट करके बार बार चेक करना पड़ेगा, एक खास रेजिस्टेंस पर एक वैल्यू ऐसा आएगा जहां पर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जब वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे तो आप समझ लेना कि ये जो है वो व्हीट स्टोन ब्रिज का एक कंडीशन बन रहा है। अगर आप लोगों को ध्यान से याद हो कल के क्लास में पढ़े थे, ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक कंडीशन बन जाएगा, बीच में गैल्वेनोमीटर है और हम लोग क्या बता रहे कि ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। अगर मतलब तुमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा लेंथ आएगा जिस पे वो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा एक खास रेजिस्टेंस पर, ठीक है। तो हम लोगों को याद है कि ये अगर R है, ये अगर X है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए था, P होना चाहिए था और Q होना चाहिए था। व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़े अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे तो उस केस में हम लोग कल पढ़े थे कि R by X का रेशियो जो है वो P by Q के बराबर हो जाता है। अब P तो रेजिस्टेंस है, अब बोलोगे यहाँ तो सर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर कट बताया गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है तार का वो लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़ चुके हैं। मतलब इतना सा जो लेंथ होगा जिस पर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, कोई भी सेंटीमीटर बोलो, जैसे 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर ऐसा कोई एक लेंथ आएगा जहां पर ये गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा डिफ्लेक्शन, उस लेंथ उतना तार का लेंथ पर उस तार का रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस बात को आप लोग समझ लेंगे, तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो तार के लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको रेजिस्टेंस तो नहीं पता है इतने वाले का, बट इसका लेंथ जरूर मालूम है और लेंथ से इसका रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। टोटल 100 सेंटीमीटर का था, एल निकल गया, तो ये जो बाकी वाला लेंथ है वो 100 - L है, तो 100 - L इतना जो लेंथ है तार का, उस तार के लेंथ से उतने तार का लेंथ का रेजिस्टेंस आ जाएगा। मतलब ये जो नीचे तो रेजिस्टेंस तो नहीं है, बट उस तार के लेंथ के मदद से
हम लोग उसके रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकते हैं, इतना तार का लेंथ का अगर रेजिस्टेंस पी है और इतने तार का रेजिस्टेंस अगर क्यू है, तो ये जो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पी वाले का रेजिस्टेंस, क्यू का रेजिस्टेंस भी 100 माइनस एल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को डिवाइड मार देंगे तो पी बाई क्यू का रेशियो एल बाई 100 माइनस एल के बराबर आ जाएगा। अब हमने पढ़ा है अगर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, जॉकी के मदद से हम लोग पता लगाएंगे कि गैल्वेनोमीटर ऐसा कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा खास रेजिस्टेंस है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, और जहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करे वहां पर आर बाई एक्स बराबर पी बाई क्यू बैलेंस कंडीशन ऑफ वीटस्टोन ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। यह आर नोन है, खास रेजिस्टेंस स्पेसिफिक, एक्स पता नहीं है, लेकिन इस जॉकी के मदद से हम लोग को एल मालूम चल जाएगा। देखोगे ना कहां पर आ रहा है नो डिफ्लेक्शन, और 100 माइनस एल, एल मालूम है तो 100 माइनस एल से ये भी मालूम हो जाएगा। तो ये टर्म मालूम है, ये टर्म मालूम है, रखेंगे चेक करेंगे कहां पर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, सेट करेंगे तो ये जो एक्स का वैल्यू है इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यही काम होता है स्लाइड वायर ब्रिज मीटर ब्रिज का। इसमें हम लोग किरचॉफ्स लॉ व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन का इस्तेमाल करते हुए एक तार के अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसका बारे में लिखने के लिए बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, और इस पर न्यूमेरिकल बनाते समय सब तरह का एग्जाम, जो भी एग्जाम आप जानते हैं, मेंस एडवांस नीट से लेकर के स्कूल एग्जाम तक, सब में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो कि अभी हम लोग बना करके चेक करेंगे। देखो जो क्वेश्चन नंबर वन लिखो फटाफट, क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा रहता है इसमें, तो क्वेश्चन देख करके शर्माना मत, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा रहता है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। विथ टू रेजिस्टेंस वायर्स इन द टू गैप्स, मतलब दोनों अननोन है, दोनों जो हम लोग ने जो प्रूफिंग के समय चाहे अभी समझाते समय हमारा एक तो नोन था, बट इस बार दोनों अननोन, दो तार है, दोनों का रेजिस्टेंस अननोन है, दोनों को लगा दिए हैं, तो बैलेंस पॉइंट 1/3 मीटर पर आ रहा है पहले। अब एक 6 ओम का एक और कॉइल लिए हैं, दोनों तार में से जो रेजिस्टेंस छोटा था उसमें उस 6 ओम वाले रेजिस्टेंस कॉइल को सीरीज में लगा दिए। अब बैलेंस पॉइंट पहले जो 1/3 मीटर पर आ रहा था, अब 2/3 मीटर पर आ रहा है, तो जो दोनों तार है, दोनों तार के बारे में बताना है कितना होगा। ठीक है, तो मेरा तो डायग्राम एक बार बनाया हुआ है, तो मैं तो बार बार नहीं बनाऊंगा, बट आप लोग बोर्ड्स के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में बार बार डायग्राम बना करके देख लेना। आज के क्लास में मेरा तो भव्य में डायग्राम बनाया हुआ है, तो मैं तो बार बार नहीं बनाऊंगा, है ना, तो आप लोग को दोबारा बनाना पड़ सकता है। तो शुरुआत में आर बाई एक्स बराबर एल कितना था, पहले एल था 1/3 मीटर में है, मीटर में, तो 100 माइनस मीटर मत कर देना, ये जो कैलकुलेशन हम लोग अभी किए हैं उसमें ये एल 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर था, क्वेश्चन मीटर पर है, तो अपना समझ के करना। तो एल अगर 1/3 होगा तो 100 में से माइनस थोड़ी होगा, 1 में से 1/3 माइनस होगा, आना ना हमें, तो दिस आर बाई एक्स बराबर 1/3 बाई 2/3 मीटर में है, 100 माइनस सेंटीमीटर में से होगा। Therefore, पहले केस में R by X बराबर 1/2 हो जाएगा, तो छोटा कौन होगा, X बराबर 2R होगा, 30 गुना 2 जैसे 60 होगा, छोटा कौन होगा, इसका मतलब R जो है वो X से छोटा हो गया, ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो केस 1 में हो रहा है, केस 2 में किसके साथ ऐड किए थे, 6 हो, छोटे वाले के साथ, बड़े वाले के साथ कुछ नहीं, बड़े वाले के साथ कुछ नहीं, मतलब x अभी भी x है, बट जो रेजिस्टेंस है छोटे वाले का जिसको आप पहले r माने हुए, अब वो क्या हो जाएगा, उसमें 6 ओम का तार सीरीज में कैलकुलेट किया हुआ, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, ये हम लोग पढ़े हैं, तो वो 6+R हो गया, है ना, छोटा पता लगाना जरूरी है, तो इसमें छोटा कौन हो रहा था, आर छोटा था, क्योंकि एक्स तो 2R है, मतलब 30 × 2 = 60, एक्स तो बड़ा है, बड़े वाले के साथ कुछ नहीं, छोटे वाले में एक 6 ओम का कॉइल सीरीज में लगाना था और सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है। यही बात है 12th क्लास के सिलेबस से रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल हटा दिया, बट आप ये ऐसे बोल नहीं सकते कि हमको रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल आता नहीं, क्योंकि 10th में भी पढ़ना था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब केस 2 में आर के जगह पर क्या आ जाएगा, 6+R, एक्स के जगह पर एक्स है, चेंज नहीं हुआ, ये नल पॉइंट कहां पर आएगा, 2/3 पर, और 1 में से जब 2/3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6+R/X बराबर 2/3/1/3, 6+R बराबर 2X हो जाएगा, है ना,
तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अब 6 प्लस आर बराबर 2 इंटू एक्स के जगह पर 2 आर प्लेस कर सकते हैं, था ना यहाँ पर निकला, जैसे 6 प्लस आर बराबर 4 आर हो जाएगा, देयरफॉर 3 आर बराबर 6 हो जाएगा, देयरफॉर आर बराबर 2 ओम हो जाएगा, और एक्स बराबर 2 इंटू 2 दिस इज 4 ओम हो जाएगा। यही दोनों रेजिस्टेंस था, एक 2 ओम का था और एक 4 ओम का, ठीक है, इस तरह से बनाना है। बैलेंस कंडीशन अभी भी सुनिए, 100 से माइनस मत कर देना क्योंकि पहले से मीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में होता तो 100 में से माइनस कर देते, ठीक है। मेरा डायग्राम बनाया हुआ, आप लोग हर क्वेश्चन में एक रफ टाइप का डायग्राम बना करके रख सकते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये पीएमटी 2014 का है, आप लोग ट्राई करें। क्वेश्चन पहले लिख लो, द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स, तो दो आर्म्स है ऑफ अ मीटर ब्रिज का, पहले 5 ओम एंड आर ओम दे रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, व्हेन द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड, अब शंटेड के नीचे लाइन खींच लेना सब लोग, और शंटेड का मतलब लिख लेना, शंटेड का मतलब लिख लेना करंट जाने का अलग रास्ता, मतलब पैरेलल लेना है, शंटेड मतलब पैरेलल, कहीं पर लिख लो शंटेड मतलब पैरेलल, शंटेड मतलब पैरेलल। रेजिस्टेंस आर को एक और आर के साथ पैरेलल में शंट कर दिए हैं, तो न्यू बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 हो गया है, जहां पर L1 जो है वो ओरिजिनल वाला बैलेंस पॉइंट था। तो आपसे रेजिस्टेंस आर का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा रफ डायग्राम, तो बोर्ड पर बनाया ही हुआ है, पर थोड़ा सा रफ डायग्राम, तो पहले कितना था, एक 5 ओम वाला था और एक आर ओम वाला था, है ना, शॉर्टकट में बना रहा है, ये नहीं कि फिर गलियाने लगे, ये शॉर्टकट में बना रहे हैं। यहाँ गैल्वेनोमीटर है, ये पहले किस पे शो करा था, L1 पर, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 100 माइनस L1, और उस केस में ये कितना था, एक 5 था और एक आर था, तो जो अभी हम लोग पढ़े हैं उस हिसाब से कितना हो जाएगा, 5/R बराबर L1/100 माइनस L1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, शॉर्टकट में लिए है। और बैलेंस पॉइंट का मतलब ही है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन है, बार बार वो बैलेंस पॉइंट कभी जीरो नल पॉइंट ऐसे लिखा रहेगा, तो बार बार कंफ्यूज नहीं करना। केस 2 में क्या किया गया, शंटिंग, तो ये 5 ओम वाला 5 ओम रह गया, जो आर वाला है उसके ऊपर एक और आर को लेकर के शंटिंग किया गया, क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अब ये कहां पर चला जा रहा है, यहां पर अब जो जॉकी लगाएंगे गैल्वेनोमीटर, वो डिफ्लेक्शन अब 1.6 L1 पे शो कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1.6 L1 हो जाएगा, होगा ना भाई, ठीक है। ये तो 5 है, ये आर है और ये आर है, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अब इस डेटा से हम लोगों को आर का वैल्यू बताना है कितना होगा, ठीक है। तो पैरेलल में है तो इसका पहले उपाय कर लेते हैं, पैरेलल में, तो पैरेलल में 1/R पी बराबर कैसे आता है, पैरेलल 1/R प्लस 1/R, देयरफॉर 1/R पी 2/R, देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू आर बाय 2, है ना। अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन लगाएंगे तो कितना देगा, 5/ कितना, इसका आर को हो गया आर बाई 2, ये कितना हो गया 1.6 L1 बाई 100 माइनस 1.6 L1। अब इन दोनों इक्वेशन से आप लोगों को अपना उपाय निकालना है, किस तरह से उपाय करेंगे, तो आप लोग बनाइए, तो यहाँ पर साइड में निकाल देते हैं। अब इसमें थोड़ा मैथमेटिकल ट्रिक लगाना है, कुछ खास बात नहीं है, फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर कर दें इन इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, 5/R इधर भी है, इस 5/R की जगह पर क्या प्लेस कर देंगे, इस 5/R की जगह पर अगर हम लोग प्लेस कर दें L1 बाई 100 माइनस L1 इंटू 2 बराबर 1.6 L1 बाई 100 माइनस 1.6 L1, है ना, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2L1 हो गया, 2L1 है, 2L1 को 100 से मल्टीप्लाई किए तो 200L1 हो गया, और अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी इसमें ये L1 तो कट जाता है ना, अब करते हैं, तो नाउ दिस इज 200 माइनस 3.2L1 इक्वल टू 160 माइनस 1.6L1, इधर गया तो ये हो गया 40 बराबर 1.6 L1, तो L1 बराबर हो गया 40 बाई 1.6, 25 होता है,
25, L1 is 25 सेंटीमीटर है ना, बट L1 तो निकालना नहीं था हम लोगों को, क्या निकालना था हम लोगों को, R का वैल्यू निकालना था। Therefore, in equation 1, इसी में चलते हैं, तो 5 by R, और ये 25 पता चला, और 100 में से 25 जाएगा तो ये 75, तीन बार में कट गया, इससे R बराबर जो है वो हमारा 15 ओम आ गया। ये मेडिकल में क्वेश्चन है, थोड़ा सा रफ डायग्राम बनाते हुए ही बनाना, थोड़ा सा रफ डायग्राम साइड शूट में बना करके ही बनाना, नहीं तो फिर थोड़ा एल कौन है ये कौन है वो मैंने पता लगाने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बना लो। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज आज बीन जेई मेंस 2018 और 2019-2020, अब तो बहुत सारा ऑनलाइन एग्जाम होने लगा, साल साल में 16-16 परीक्षा है, 8-8 राउंड करके साल में दो बार, तो बहुत सारा पेपर में आपको मीटर बीच का क्वेश्चन जो है वो दिख जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेंस 2018 का है, बोल रहा है कि पहले आर और एक्स में लगाए हुए हैं रेजिस्टेंस, तो कुछ आ रहा है बैलेंस पॉइंट पर, तो पता नहीं कितना आ रहा है, तो एल बाई 100 माइनस एल है। ठीक है, अब बोल रहा है इंटरचेंज कर दिए रेजिस्टेंस को, इंटरचेंज कर दिए मतलब अब क्या हो जाएगा, जो आर है वो एक्स के जगह पर, एक्स है वो आर के जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये ऑन इंटरचेंज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बच्चों को आया था समझ में, क्या हो जाएगा ये तो एक्स बाई आर हो जाता। अब ये बताओ पहले अगर एल पर था, मतलब मान लो 30 सेंटीमीटर पर था, अब 10 सेंटीमीटर बाएं तरफ आ गया, शिफ्ट टू द लेफ्ट, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो पहले मान लो 30 और 70 पे था, 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो ये 30 कितना हो जाएगा, 10 हटेगा तो ये 20 हो जाएगा, और ये 70 कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। ये समझ में आएगी नहीं, यही पर बच्चा लोग गड़बड़ कर गया था, इसको तो 10 घटाए क्वेश्चन में, बट ये जो 10 बढ़ेगा वो भूल गए, यही पर ज्यादातर का ट्यूशन में तो कुछ लोग का सही था पर बहुत लोग का गलती भी था। एक चीज क्वेश्चन में बोल रहा है कि बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो गया लेफ्ट की तरफ 10 सेंटीमीटर, तो एल को तो 10 सेंटीमीटर कम कर लिए, बट उधर वाला भी तो बढ़ जाएगा, पहले 30 और 70 था, अब अगर 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया तो ये तो 20 पर आया, तो ये 70 में थोड़ी रह जाएगा, ये तो 80 पर आ जाएगा, ये अपने में से 10 बढ़ जाएगा, ये अपने में से 10 घट जाएगा। इसी में ज्यादातर बच्चे गलती कर दिए, सिर्फ 10 कमाए, उधर का जो 10 बढ़ाना था वो नहीं किया, पूरा आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो और इंटरचेंजिंग 10 सेंटीमीटर बाएं तरफ आया है, तो ये एल तो एल माइनस 10 होगा, बट ये जो 100 माइनस एल है इसमें ये 10 बढ़ जाएगा, यही नहीं किए बच्चे लोग, इस वजह से ही पूरा क्वेश्चन का बेला गर्व हो गया एग्जाम में 2018। ठीक है, अब यहां तक अगर पकड़ लिए तो उतना दिक्कत नहीं होगा, दिस इज एल माइनस 10 और ये 100 कितना हो गया 110 माइनस एल। ठीक है, अब थोड़ा सा समझदारी से करेंगे, अब क्या करते हैं, दोनों अब दो इक्वेशन है। ठीक है, अब दोनों को क्या करते हैं, अब दोनों को पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दे क्या आपस में, और R R प्लस एक्स का वैल्यू दिया हुआ, R प्लस एक्स का वैल्यू मान लो, तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो R बाई एक्स और X बाई R एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लाई होकर के वन आ जाएगा, और बस गुना करोगे, सॉल्व खुद से करो, गुना करो सॉल्व करो, तो L का वैल्यू 55 सेंटीमीटर आ जाएगा, खुद से सॉल्व करके देखो, L का वैल्यू जो है वो 55 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको सॉल्व करना है, L का वैल्यू जो है वो 55 सेंटीमीटर तक आ जाएगा, पहले L का वैल्यू 55 सेंटीमीटर तक करो, ये प्लस 10 जो किया गया ना वही बहुत लोग किए ही नहीं थे एग्जाम। चलो तो L का वैल्यू 55 तक पहुंच जाओगे तब फिर इक्वेशन वन में चलते हैं, फिर से इक्वेशन वन, और वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन बिकम्स R by X बराबर L के जगह 55 और 100 माइनस 55 तो 45 है ना, तो ये 5 के डबल में कट गया 11 बार में और ये 9 बार में, मतलब 9R बराबर 11x, 5 के डबल में 11 बार में 9 बार में, तो 9R बराबर 11x। अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, अब यहां पर हिंट है,
सीरीज में जब इन दोनों रेजिस्टेंस को लगाते हैं तो 1 किलो ओम आता है। सीरीज का मतलब क्या होता है, दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करना है ना। सीधा मुंह उठा करके नहीं बोल सकते कि सीरीज पैरेलल हट गया सिलेबस से तो हम लोग नहीं बनाएंगे सीरीज पैरेलल, 10th रेजिस्टेंस में भी पढ़ रहा हूं। ये 1000 हो गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ 1 किलो ओम है। तो अब क्या करें, इसको 9 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 9R प्लस 9X बराबर 9000 हो जाएगा है ना। अब 9R की जगह पर अगर 11X प्लेस कर दें, 11X प्लस 9X बराबर 9000 हो जाएगा, 20X बराबर 9000 हो जाएगा। 1, 2, x बराबर 450। x क्या था, x तो रेजिस्टेंस था, 450 ओम। बट x मेरा किस तरफ है, मेरा x राइट का एक तरफ है, तुमको लेफ्ट साइड वाला पूछा हुआ है, आपसे बोला है लेफ्ट साइड वाला, मतलब x नहीं r लेफ्ट साइड वाला पूछा हुआ है। तो 9r बराबर 11x है, 9r बराबर 11 इंटू 450 है, 9 से ये 50 बार में कट गया, r बराबर 550 ओम इस क्वेश्चन का आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बनाना पड़ता है मेंस का, इसको लिखो आराम से, बढ़िया से लिखो, बढ़िया से इसको सेट करके लिखो, ठीक है बच्चों। तो यही तक रहेगा वीडियो, ये हो गया स्लाइड वायर ब्रिज मीटर ब्रिज, स्कूल एग्जाम में भी आएगा, मेंस एडवांस और मेडिकल के एग्जामिनेशन में भी आएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घर पर रहकर सिलेबस कंप्लीट करो। थैंक यू।